नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। 48 डिग्री में उबल रहा शहर, मगर इन कॉलोनियों के किसी घर में एसी नहीं। आईएएस अफसर भी पंखे से चला रहे काम। इन दिनों उत्तर भारत समेत कई शहरों में गर्मी ने अपने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आगरा भी उसी लिस्ट में शामिल है। यहां 124 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। 124 सालों में दूसरी बार आगरा का तापमान 48 डिग्री के पार जा चुका है। आगरा उबल रहा है, गर्मी से लोग परेशान हैं। गर्मी से बचने के लिए लोग उपाय खोज रहे हैं। एसी की दुकानों पर लोगों की भीड़ लगी हुई है, लेकिन इन सभी के उलट आगरा दयालबाग की एक दर्जन कॉलोनियों में आज भी एसी नहीं है। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन ये सच है। यहां आज भी एसी लगाने पर पाबंदी है। ऐसा नहीं है कि ये लोग एसी नहीं खरीद सकते। दरअसल इन लोगों को कभी एसी की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि यहां का तापमान शहर की अपेक्षा कम है। इन कॉलोनी में आईएएस, आईपीएस और कई सारे जज भी रहते हैं, जो गर्मियों में सिर्फ कूलर और पंखे से काम चलाते हैं। पेड़ लगाने से हो गया तापमान कम। आगरा सिटी के बीचों बीच में दयालबाग स्थित है। यहाँ पर 50 से 90 साल पुरानी लगभग एक दर्जन कॉलोनियां हैं। शहर की अपेक्षा इन कॉलोनी के तापमान में कमी देखने को मिलती है। इसके पीछे की वजह यहाँ का शानदार इकोसिस्टम और हरियाली युक्त माहौल है। राधानगर के गुरमौज चावड़ा ने बताया कि उनकी कॉलोनी में एयर कंडीशनर लगाने की इजाजत नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोग एयर कंडीशनर अफोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ के रहने वाले लोगों को कभी इसकी जरूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि पेड़ों की वजह से तापमान बेहद कम है। दयालबाग को इको फ्रेंडली बनाने की यह पहल है। पर्यावरण बचाने में हम सभी का योगदान होना चाहिए। एसी पर्यावरण के लिए घातक है। कई सालों से दयालबाग में रहने वाले एडवोकेट अमन चौहान बताते हैं कि एयर कंडीशनर वातावरण से नमी खींचकर हीट पैदा करता है। किसी भी लिहाज से एयर कंडीशनर वातावरण के लिए ठीक नहीं है। हमने अपने घरों के सामने पेड़ लगाए हैं, ताजा हवा मिलती है। लोगों से अपील है कि वह एयर कंडीशनर छोड़े और पेड़ लगाने पर जोर दें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।